मंदसौर में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नए महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी और कलेक्टर मनोज पुष्प समेत लोग मौजूद रहे। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने शुभारंभ अवसर पर कहा कि महिला थाने की स्थापना से महिलाओं पर हो रहे अपराधों में कमी आएगी और महिलाओं को न्याय भी शीघ्र मिलेगा। तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने लगातार अपने शासनकाल में महिलाओं का जो हमेशा सम्मान करा है और जैसे लाडली लक्ष्मी योजना सहित कई योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई है और आज ही उनको इसीलिए पूरा मामा के रूप में, बहनों के भाई के रूप में जाना जाता है और आज उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले स्तर पर जो पुलिस महिला पुलिस थाने खोले गए हैं ये उसी की कड़ी है। ये कहीं ना कहीं जो महिलाएं के मन में जो हिचक रहती है, जो संकोच रहता है कि हम थाने पे जाकर अपनी बात नहीं कर सकते हैं, महिला थाना खोलने के बाद एक महिला जिसके साथ कुछ गलत होता है तो अपनी बेहिचक आकर यहाँ पर बात रख सकती है और मुझे विश्वास है कि इससे महिलाओं के आने वाले दिनों में न्याय मिलेगा और वो कहीं ना कहीं जो अपराध होंगे उसमें कमी आएगी। बहुत ही प्रसन्नता कि इस जिले को महिला थाना एक सौगात के रूप में मिला है, क्योंकि सभ्य समाज कभी स्वीकार ही नहीं करता है महिलाओं के प्रति अपराध। अपराध रुकने के तरीके सामाजिक जीवन में समाज सुधार है, नैतिक शिक्षा है, मगर कहीं न कहीं एक भय भी बना रहना चाहिए और इसलिए आज महिला थाना प्रारंभ हुआ है तो एक संदेश जाएगा कि महिलाओं के प्रति अपराध करने के पहले विचार कर लो कि अपराध किस तरीके से रोका जाएगा। और महिलाएं जब बहनें दंड देती है तो वो कठोर दंड होते हैं। मैं इसलिए शुभकामनाएं दूंगा कि थाने का नाम सुनते ही अपराध कम होना शुरू हो जाए। संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय ने जो शेष जिले रह गए थे महिला थाने जहां पे अस्तित्व में नहीं था, ऐसे 42 जिले थे जहां जिसमें मंदसौर भी एक जिला उसमें था, आज सभी 42 जिलों में महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया जा रहा है जहाँ पे महिलाएं अधिकारी भी रहेंगी और महिला परामर्श केंद्र भी रहेगा। महिलाएं अपनी यहाँ पे निसंकोच होकर निडर होकर यहाँ अपनी समस्याओं जो है यहाँ लेके आ सकती हैं।